तो दोस्तों बिना देरी किए आज मैं आपके साथ में पोहे से बने एक बहुत ही लाजवाब नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बस आप वीडियो को पूरी देखिएगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक कटोरी पोहे लिए थे जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा हरा धनिया, दो तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याज बारीक कटी हुई और थोड़े से मटर के दाने। मटर के दाने बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़े से ही डालने हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब आधा चम्मच सौंफ, दो चुटकी हींग डालेंगे हम इसमें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये गरम मसाला करीब आधी चम्मच, आमचूर पाउडर एक चम्मच, आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की आसान टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए। तो ये सभी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे इस तरह से दबाते हुए इकट्ठा करेंगे। आटे की तरह गूंदना नहीं है, हमें इसे इकट्ठा करना है क्योंकि हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें इसमें, बस ये देखिए इस तरह का ये मिश्रण होना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए ईजिली इसकी टिक्कियाँ बनने में आ रही है। बस इतना ही पानी डालना है हमें इसमें ताकि अच्छे से इसकी टिक्कियाँ बन जाएँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसकी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये सभी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। दूसरी तरफ गैस पर मैंने तेल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हल्का गर्म हो गया, अब मैं इसमें टिक्कियाँ एक एक करके डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म तेल भी नहीं करना है, मीडियम गर्म तेल चाहिए हमें इन्हें तलने के लिए। और जब तक ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाएंगी तब तक हम इन्हें नहीं पलटेंगे। तो ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अब हम इन्हें पलट देते हैं। हल्के हाथों से ही पलटना है हमें इन्हें। तो ये एक साइड से मैंने पलट दी है और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इन पे आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं, बहुत कुरकुरी बनती हैं ये। आप इन्हें केचप के साथ सर्व कीजिए या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, दोनों के साथ ही बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।